हाय गाइस, मैं हूं आयुष और ये है फास्टर की रिफ्लेक्स प्ले प्लस। और ये वाला जो मॉडल है रिफ्लेक्स प्ले का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आपको 20 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ढेरों फीचर जो इस वीडियो में मैंने कवर कर रखे हैं। तो जल्दी से एक बार इसका बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो इसके बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो इसके बॉक्स कंटेंट में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बस इसमें आपको आपकी वॉच और आपका चार्जर मिल जाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, दैट्स इट। इस वॉच के अगर थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सर्कुलर मेटेलिक फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सॉलिड फील करता है। साथ ही साथ में आपको यहाँ कुछ नेविगेशन बटन देखने को मिल जाती हैं, आप देख सकते हो दोनों ही अपर साइड में। आपको इन दोनों ही बटन की मदद से आप मेन्यू में बैक जा सकते हो और मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, इस स्विच की हेल्प से आप इसके सारे स्पोर्ट्स मोड्स को ओपन कर सकते हो जैसे, और किसी एक में चेंज कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो तो आपको कुछ यहाँ पे और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग, ब्राइटनेस, टॉर्च, वाइब्रेशन और भी ऐसे काफ़ी सारे। इस वॉच की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इसका एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 1.3 इंचेस का ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले है। और एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण ये आपको आउटडोर्स में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस तो देता ही है, साथ ही साथ एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण ये दूर से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। इस स्मार्ट वॉच के ऐप की मदद से आप बहुत अच्छे से अपने फ़ोन के थ्रू चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आप इसका डायलर ओपन करके किसी को भी कॉल कर सकते हो और कोई भी कॉल को पिक करके आप इससे ही बात कर सकते हो, जो कि ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इस वॉच की। और यहाँ पे आपको ऐप की मदद से 100 प्लस डायलर मिल जाते हैं, यानी कि नए नए दिन आप अलग अलग डायलर का यूज कर सकते हो और एक नई वॉच की फील ले सकते हो। अब इस वॉच में आपको कितने तरीके की मॉनिटरिंग देखने को मिल जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको SpO2, BP, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीथ ट्रैकिंग, इसी तरह के लगभग सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इन फीचर को नेविगेट करने के लिए आप जस्ट लेफ्ट स्वाइप करके सारे फीचर को नेविगेट कर सकते हो और जो भी चीज़ आपको मॉनिटर करनी है वो इसकी मदद से आप उसमें जा सकते हो। इस स्मार्ट वॉच में आपको IP68 की रेटिंग दी हुई है जिसको मैंने टेस्ट भी किया है और आप देख भी सकते हो। तो इस वॉच में आपको स्पोर्ट्स मोड जो देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ तो बेसिक्स हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और इवन डांसिंग का भी आपको देखने को मिल जाता है एक मोड, तो उस चीज़ को भी आप ट्रैक कर सकते हो इससे। इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए आप इसका मैग्नेटिक चार्जर यूज़ कर सकते हो जो कि आराम से इसमें अच्छे से आके फिक्स हो जाता है और इसकी मदद से इजीली आप स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। अब इस स्मार्ट वॉच की बैटरी बैकअप की बात करूं कि कितनी बैटरी लाइफ ये देती है, तो कंपनी के हिसाब से तो ये 7 डेज का बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं, लेकिन ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। और अगर इसका आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करते हो तो ये फिर आपको 2 दिन का एटलीस्ट बैकअप देता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। अगर आप फास्टर की कोई दूसरी वॉच यूज करते आ रहे हो और चाह रहे हो स्मार्ट वॉच पे उसकी अपग्रेड करना, तो डेफिनेटली इस वॉच के साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एक स्मार्ट वॉच ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई दूसरे ब्रांड के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये वाली वॉच थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाती है और बैटरी बैकअप भी इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि हो सकता है ये एमोलेड डिस्प्ले के कारण भी हो। वैसे मैंने स्मार्ट वॉच का प्राइस नहीं बताया, तो ये स्मार्ट वॉच आपको 6500 के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि मेरी तरफ से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। वैसे मैंने आपको एक चीज और बताना भूल गया कि हमने थोड़ा सा क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट किया है, हम अपनी तरफ से ये सारे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, बस आपकी तरफ से आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा आपको किसी और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।